प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको तुला राशि और लग्न वालों के लिए आगे आने वाले वर्ष में विवाह, संतान, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन की क्या स्थिति रहने वाली है इसकी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी तुला राशि या लग्न के हैं तो आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें क्योंकि आपको बहुत ही रोचक जानकारी आज मिलने वाली है। और अगर आप अविवाहित है तो कब विवाह के योग बन रहे हैं, आइए मैं बिना विलंब किए सर्वप्रथम आपको उसकी जानकारी देता हूं। लेकिन एक बात आप जानते ही है, अगर आपने पूर्व की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको तुला राशि और लग्न वालों के लिए वर्ष 2024 की संपूर्ण जानकारी दी है, जिसमें करियर के लिए, स्वास्थ्य के लिए और आपकी शिक्षा के लिए, मान सम्मान, उच्च पद के लिए, नौकरी व्यापार के लिए किस प्रकार का आगे आने वाला वर्ष रहने वाला है उसकी जानकारी दी है। अगर आप नहीं देख पाए उस वीडियो को तो यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपको वो वीडियो मिलेगी। इस वीडियो के पूरा होने पर आप उस वीडियो को भी देख पाएंगे, तो आप उस वीडियो को देखेंगे आगे आने वाले वर्ष की, उससे भी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अब मैं आपको बिना विलंब के सबसे पहले बताता हूं कि आगे आने वाले वर्ष में आपके विवाह के योग कब बन रहे हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि किसी के विवाह के लिए स्वयं की जन्म कुंडली में योग होना, उसके बाद दशा आदि सपोर्टिंग चलना और उसके बाद फिर गोचर में अच्छा प्रभाव आना जरूरी होता है। तो इसमें से दो फैक्टर जो है, मतलब आपकी दशा अच्छी होना और आपकी कुंडली में विवाह का योग होना, ये दोनों आपकी कुंडली से ही देखा जा सकता है। लेकिन गोचर में जो प्रभाव बनता है ये सभी के लिए बनता है। जैसे मैंने आपको कहा कि तुला राशि अगर आपकी है, तुला लग्न आपका है, तो आपके लिए वर्ष के प्रारंभ से ही विवाह के योग अत्यंत श्रेष्ठ बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का गोचर सप्तम भाव में यथावत जारी है और गुरु का प्रभाव आपके विवाह के मजबूत योग बनाने का काम करेगा। यहां पर गुरु का प्रभाव 1 मई 2024 तक रहेगा, यानी विवाह के दृष्टिकोण से तुला राशि और लग्न वालों के लिए 1 मई 2024 तक जो प्रभाव है ज्यादा अच्छा है। उसके बाद तो गुरु वृषभ राशि अष्टम भाव में चले जाएंगे तो इतना अनुकूल प्रभाव नहीं मिल पाएगा, या आप जो विवाह के लिए सोच रहे कि योग बने वो फिर लंबे टल जाएंगे, आपको इतना जल्दी प्रभाव नहीं मिल पाएगा और फिर आगे वर्ष में, फिर पूरे वर्ष में योग इतने मजबूत नहीं बनेंगे। तो इसीलिए अगर आप तुला लग्न तुला राशि के हैं तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि अगर विवाह आपको करना है तो वर्ष के प्रारंभ के समय पर विचार करें और 1 जनवरी से लेकर 1 मई के बीच में, इन शुरुआती 4 महीनों में अगर विवाह की स्थिति बनती है तो विवाह करें। आपको इस समय पर अच्छा प्रभाव मिलने के योग जरूर बनते हैं, तो इसलिए प्रारंभ के समय पर योग अच्छे हैं। उपाय के रूप में आपको यह करना चाहिए कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रत्येक मंगलवार को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे गेहूं, माफ कीजिएगा, जैसे चने की दाल, केले, अन्य कोई पीली वस्तु, पीले वस्त्र भी ले सकते हैं आप, उसका दान कर सकते हैं तो अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा इससे। और ये काम करने से आपके विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएंगी, आपको परिणाम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो जाएगा, तो ये काम आपको कर लेना चाहिए। फिर जिनका विवाह हो चुका है लेकिन वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि उनको विशेष रूप से, अभी पहले पिछले वर्ष में अगर देखा जाए तो राहु का गोचर सप्तम भाव में था, मैंने आपको पहले बताया था कि ये राहु जब तक है तब तक आपको वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है, थोड़ी परेशानी आएंगी, पार्टनरशिप में भी हो तो प्रॉब्लम आएंगी। तो राहु का काम रहता है थोड़ा जहां भी रहता है उसको एक्टिव कर देता है, तो जीवन साथी के स्वभाव को चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्सेल करते, ये राहु का काम रहता है। अब हालांकि गुरु का प्रभाव है, अभी अकेला गुरु है, आपकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में बैठा होगा तो यहाँ पर भी शुभ प्रभाव प्रदान करेगा और 1 मई तक तो गुरु यहीं पर है तो मिला जुला ही रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है गुरु का प्रभाव यहाँ पर। लेकिन विवाह में जो पहले समस्या थी अगले वर्ष में इतनी नहीं रहेंगी, विवाह को ये गुरु बनाए रखेगा, शुभ करने का काम करेगा और अगर किसी कारण से वाद विवाद की स्थिति बन गई थी तो आप अगर अगले वर्ष के प्रारंभ में विचार करें, बातचीत करें बैठकर, तो सही उसका हल निकल आएगा और कोई भी समस्या हो वो सारी दूर हो जाएगी। फिर ये है कि गुरु अगले मई के बाद वो चले जाएंगे कुंडली के अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में गुरु रहेंगे तो इससे भी आपके वैवाहिक जीवन पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, गुरु का प्रभाव सकारात्मक ही रहेगा आपके लिए, गुरु की स्थिति के चलते कोई खराबी नहीं महसूस होगी आपको, विवाह का प्रभाव शुभ ही रहेगा क्योंकि गुरु आपके लिए कारक नहीं होते बल्कि सप्तम में होकर वैवाहिक जीवन में और खराबी उत्पन्न करते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करते हैं। तो अगले वर्ष के प्रारंभ के समय पर
जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमजोरी, अव्यर्थ में विवाद आदि की स्थिति बन सकती है, उसका ध्यान रखिए, तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि प्रभाव सारा ठीक रहेगा। बाकी गुरु की जो स्थिति पूरे वर्ष रहने वाली है, विवाह को बचाने का काम करेंगे और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखेंगे, तो इसलिए कोई बड़ी चिंता उससे तो नहीं है। फिर ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनके विवाह हो गया है, बाकी सब चीजें ठीक है, संतान का सुख नहीं मिल पाया, या संतान पूर्व में हुई थी लेकिन उसके बाद आप आगे संतान के लिए प्रयास थे लेकिन योग नहीं बन पा रहे। तो आप जानते हैं कि गुरु का गोचर सप्तम भाव में है। आप सप्तम भाव से गुरु न पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं, न ही नवम भाव पर दृष्टि डालते हैं, न ही कुंडली के दूसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं। इसीलिए हाँ, वैसे एक बात है, जिन्हें दूसरी संतान के लिए जो प्रयास आते हैं उनके लिए तो फिर भी योग ठीक है, मतलब आगे आने वाले वर्ष के प्रारंभ के समय पर जिन्हें दूसरी संतान का सुख चाहिए उनके लिए योग अच्छे हैं, उन्हें ज्यादा प्रभाव से संतान का सुख मिल सकता है, ये योग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर संतान आपको पहली ही संतान का आप सुख चाहते हैं, वहां अगर स्थिति देखें थोड़ी कमजोर रहेगी, गुरु का प्रभाव आगे भी अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम भाव का गुरु संतान देने में तो कारगर है लेकिन बहुत मजबूत स्थिति नहीं है। गुरु का प्रभाव आएगा दूसरे भाव पर दृष्टि डालेगा, तो दृष्टि डालकर गुरु कुटुंब में वृद्धि, कुटुंब में सुख सुविधा की वस्तुओं को बढ़ाने का काम करता है, कुटुंब में नए लोगों को जोड़ता है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप संतान के लिए प्रयासरत है तो वो गुरु का वृषभ राशि में जाना उस तरह संतान का प्रभाव दे सकता है, जो मैं समझता हूँ कम से कम अच्छा रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी यहाँ एक बात यही है कि जो गुरु की स्थिति है वो आपके लिए कोई बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। सप्तम और अष्टम दोनों में ही गुरु का मध्यम फल देखने को मिलेगा, जिसके चलते वैवाहिक, पारिवारिक, संतान, अन्य सभी चीजों में थोड़ी सी मध्यम स्थिति नजर आएगी। बाकी यहाँ एक बात है, इस वर्ष आपकी संतान को तरक्की अच्छी मिलेगी, संतान आपकी जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, अगर आपको चिंता थी उनके विषय में, उनके कोई भी कार्य को लेकर, वो आगे बढ़ पाएंगे, वो फिर राजनीति में हो, वो इंजीनियरिंग की हो, या उन्होंने खुद का कोई व्यापार करते हो, कोई प्राइवेट नौकरी हो, आईटी वगैरह से जुड़ी, अच्छा प्रभाव मिले। हाँ ये जरूर है कि अगले वर्ष में थोड़ा उनको ग्रोथ का प्रभाव, प्रमोशन का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा, जो अच्छी बात रहेगी। हाँ ये हो सकता है आपके साथ अगले वर्ष कि संतान आपसे दूर रहे, बस दूर रहे से मतलब कहीं बाहर रहकर काम करे, अधिकतर वैसे आपके साथ ऐसा ही होता है कि संतान आपसे कई बार दूर रहकर काम करती है, वहां सफल होती है, तो मैं खराब नहीं समझता, आज के दौर पर यही होता है तो ठीक ही है आपके लिए, मतलब कोई खराबी वाली बात नहीं, संतान की तरफ से तो प्रभाव ठीक है। हाँ संतान सुख जिन्हें नहीं मिला, थोड़ा मतलब डॉक्टरी सहारा लेना पड़े तब जाकर प्रभाव मिले, इस तरह की बातें देखने को मिल सकती है, बाकी अदरवाइज प्रभाव ठीक है, अच्छा है, शुभ स्थिति अवश्य से बन जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर पारिवारिक जीवन की, तो जैसा मैंने कहा गुरु का प्रभाव कोई बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, तो पारिवारिक जीवन को ये मध्यम दर्जे का बनाए रखेंगे, अन्य से आपके तालमेल खराब भी हो तो आप सही उसे परिस्थिति के अनुसार बना लेंगे, सही कर लेंगे, जिससे कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं आएंगी। मतलब मैं तो यही कहूंगा आपके लिए कि जो ग्रह अवस्था दर्शा रही है वो यही दर्शा रही है कि आपको वैवाहिक जीवन का जो सुख है, पारिवारिक जीवन का जो सुख है, संतान का जो सुख है, आगे आने वाले वर्ष में मिलेगा, अच्छा मिलेगा, मध्यम दर्जे की स्थिति में मिलेगा। अगर हाँ आपकी कुंडली में ग्रह अवस्था बहुत अधिक मजबूत हुई तो यह मध्यम दर्जे का प्रभाव अच्छा भी हो सकता है, उत्तम दर्जे में भी जा सकता है, और अगर आपकी कुंडली की दशा अधिक खराब हुई तो यह मध्यम दर्जे से और कमजोरी वाली स्थिति आ सकती है। तो आपको अपनी कुंडली पर भी ध्यान देना है, क्योंकि सभी के लिए जितने भी तुला राशि लग्न के होंगे सबके लिए एक जैसा प्रभाव तो होगा नहीं, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आपको इस वर्ष में गुरु को बलवान रखना चाहिए, भले आपके लिए कारक नहीं है लेकिन प्रतिदिन किसी मंदिर में आप जाए, अपने माथे पर केसर का तिलक लगाए, चंदन का तिलक लगाए, हल्दी का तिलक लगाए, किसी भी एक का तिलक आप लगा ले बहुत अच्छा रहेगा। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी आप मिलाकर नहाए, कम से कम गुरुवार के दिन ऐसा तो करे ही। बाकी आप जैसे मैंने कहा कि पीली वस्तु जो जिनका विवाह नहीं हो रहा उनको दान करना है मंगलवार के दिन, बाकी भी ये कर सकते हैं कि महीने में किसी भी एक दिन पूर्णिमा के दिन विशेषकर पीली वस्तुएं, खाने की वस्तुएं किसी गरीब व्यक्ति को देना चाहिए, इससे भी आपको अच्छा प्रभाव पूरे वर्ष पर्यंत मिलता रहेगा, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या थी वो भी दूर होंगी, प्रभाव ठीक मिलेगा। और बाकी इस वर्ष में देखा जाए तो योग अच्छे हैं, प्रभाव ठीक है, मध्यम ही है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बोलूंगा लेकिन कम से कम ऐसा है कि आपको परेशान नहीं करेंगे। जैसे पिछली बार राहु का प्रभाव था तो मैंने आपको बताया बचा कि राहु है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, व्यर्थ में झगड़े वाद होते हैं, अब लेकिन वैसी स्थिति नहीं है, अब कम से कम राहु की पोजिशन आपके लिए ठीक है, तो ये कम से कम ठीक स्थिति आपके लिए, और धीरे धीरे करके वर्ष आगे बढ़ेगा तो आपकी स्थिति और ठीक होगी, क्योंकि मई के बाद गुरु का अष्टम भाव में जाना आपके लिए वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में कम से कम ठीक स्थिति दर्शा रहा है। पहले तो गुरु शनि की दृष्टि में है तो वहां पर थोड़ा कमजोर है। बाकी मैं ये कहूंगा कि अगर आप तुला राशि और लग्न वाले हैं तो
तो अपने मन को शांत रखिए और धार्मिक कार्यों में लगाकर रखिए अगले वर्ष में, तो आपको पूरे वर्ष का प्रभाव वैवाहिक, पारिवारिक और आर्थिक जीवन में भी अच्छा ही प्राप्त हो। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, सभी जानकारी आपको मिल गई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।